मैंने उड़द छिलके वाली दाल को सोख कर कर 3 घंटे के लिए रख लिया था। उसके बाद मैंने इसके पानी के साथ छिलके निकाल दिए और मैंने इसको छन्नी में छानने के लिए कम से कम आधे से पौन घंटे के लिए रख दिया था। इसका पानी पूरा निकल चुका है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अब मैं अपने ग्राइंड में उड़द दाल को डाल लूँगी। सारी इसमें 2 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ी चम्मच सौंफ, गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा। अब हम अपने मिश्रण को ग्राइंड कर लेंगे। आपको अगर लगे कि ये नहीं घूम रहा है तो अपनी चम्मच से थोड़ा सा इसको घुमा लीजिए। अगर आपको लगे कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तो ये बिल्कुल मत कीजिएगा। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, वरना ये हमारा बिल्कुल ही पतला हो जाएगा और उड़दियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी, ना सॉफ्ट बनेंगी। मैंने यहाँ पर इसको ग्राइंड कर लिया है। हमें ऐसा पेस्ट चाहिए, बिल्कुल थिक। मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और मैं इसको ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए बाहर ही रूम टेम्परेचर पे रख दूंगी और फिर मैं सुबह को इसको उतारूंगी, मतलब इसकी मंगोड़ियाँ बनाऊंगी। बढ़िया। आप इसको शाम को भी प्रिपेयर कर कर बैटर रख सकते हैं, जिसे इसे फर्मेंट होने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाए। ये देखिए, हमारा बैटर ओवरनाइट हो चुका है। हमने इसको ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। हम एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डस्ट करेंगे। जिससे कि हमारी जो उड़दियाँ हैं वो ना चिपके। आइए हम अपनी उड़दियाँ तलना शुरू करते हैं। ऐसे ही हम छोटी छोटी उड़दियाँ अपनी उतार लेंगे। ये आलू के साथ बहुत अच्छी लगती हैं, आलू उड़दी। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आलू उड़दी की रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं होममेड। जिसको बाज़ार की नहीं पसंद वो अपने घर पे ट्राई कीजिए। देखिए, मुझे तो बाज़ार की बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अधिकतर होममेड चीज़ें यूज़ करती हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने सारी की सारी उड़दियाँ अपनी प्लेट पर उतार ली हैं। अब मैं इसको सुखाने के लिए धूप में रख दूँगी। उड़दियाँ सूखने के बाद कुछ इस तरह दिखाई देंगी। मैंने इनको 2 दिन तेज़ धूप में सुखाया है। आप इनको स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। उड़दियों को आलू के साथ, आलू टमाटर के साथ बनाया जाता है। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।